नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। वाराणसी के पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिए पत्रकारों के ऊपर हो रहे फर्जी मुकदमे के संबंध में आज जिला वाराणसी पर पत्रकारों के हुजूम ने जन सुनवाई कर रहे एसीपी भेलूपुर डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी को प्रार्थना पत्र देकर पीड़ित पत्रकारों के ऊपर हो रहे फर्जी मुकदमे के बारे में विस्तृत जानकारी दी व उच्च स्तरीय जांच कराकर पत्रकारों के साथ न्याय व आरोपी के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की। मौके पर उपस्थित रहे नेशनल मीडिया के अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव व सैकड़ों की संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। मैं पंकज उपाध्याय, पत्रकार पेशे से हूँ। और 11 अक्टूबर को हम गए थे जनसत्ता क्षेत्र में सूचना के आधार पे जो एक अवैध तरीके से संचालित हो रहा है हॉस्पिटल, वहाँ दर्जनों हॉस्पिटल ऐसी है जो कि अवैध तरीके से संचालित हो रहा है। एक बेसमेंट में अर्पित हॉस्पिटल के नाम से बेसमेंट में 16 मरीज को रखे थे, उसको लेकर हमने एक फ़ोटो और वीडियो बनाया जिसको हमने 21-22 तारीख को हमने सोशल मीडिया पे और अन्य पेपरों पे प्रकाशित किया, जिसके बाद डॉक्टर साहब नाराज होकर 2-3 बार कम से कम जनसा थाने में उन्होंने तहरीर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की अच्छी कार्रवाई रही। जांच के बाद कुछ साक्ष्य नहीं मिला, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर साहब 3-4 बार दिए नहीं कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कोर्ट के माध्यम से हम लोगों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसको लेकर हम सभी पत्रकार साथियों में एक नाराज़गी व्याप्त है। इसलिए कि आज मेरे ऊपर है, कल किसी पत्रकार के ऊपर, तो सत्य दिखाना आप तो एक गुनाह वाली बात हो गई है। इसी को लेकर आज हम लोग मुख्यालय पर आए हुए हैं। कमिश्नर साहब के यहाँ आकर के हम लोगों ने पत्रक दिया है और हमने कहा निष्पक्ष जाँच करके और उचित कार्रवाई की जाए। किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज जी? एक हमारे साथ है उमा शंकर मिश्रा जी और मैं पंकज। तो उसमें क्या बताया गया कि किसके मुकदमा दर्ज किया गया? क्या तथ्य रहा आपके खिलाफ? तथ्य ये है कि इनका कहना डॉक्टर साहब का कि 10,000 रुपया रोज के हिसाब से गुंडा टैक्स मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं देंगे तो जान से मरवा देंगे, तमाम प्रकार की आरोप हैं। और जबकि उनके संरक्षण में 4-5 और अवैध तरीके से हॉस्पिटल चल रहा है, और सूचना मिला है कि अभी बड़ौरा में एक और शांति हॉस्पिटल के नाम से वो भी उन्हीं के संरक्षण चल रहा था, जहाँ की जच्चा बच्चा भी की मौत हो गई भी फरवरी में ही। ऐसे कई अनेकों प्रकार की उनके संरक्षण में चल रहा है। लेकिन बस सबसे दुखद बात यह है हम पत्रकारों के लिए कि अगर सत्य आप घटना दिखाते हैं तो सीधे आप ही आरोपी हो जाएंगे। इससे हम लोगों को काफ़ी नाराज़गी है और निष्पक्ष जाँच हो और आने वाली सरकार चाहे जो भी हो या अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हो, इस पर भी कुछ कठोर मुहिम चलाएं कि अगर फर्जी तरीके से किसी भी पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, अगर साक्ष्य नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ उल्टे ही संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उस व्यक्ति को जेल भेजा जाए जो कोर्ट को गुमराह करता है, पुलिस को गुमराह करता है, अन्य पत्रकार साथियों को परेशान करता है। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? आश्वासन मिला है कि आप की जांच निष्पक्ष होगी और जो भी होगा आप लोगों के पक्ष में ही न्याय दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं सत्य हैं तो सत्य ही का जीत होता है हमेशा। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है और इसके संचालक कौन है? ये वाराणसी के जनपद ये जलसा थाना क्षेत्र के जलालपुर के पास में ये हॉस्पिटल स्थित है, जिसके संचालक हैं उदय वर्मा जी हैं और उनकी पत्नी रीता वर्मा हैं। इन्होंने झूठे झूठे आरोप लगाए, उन्होंने ये भी कहा कि कैमरे में मेरे यहाँ सब कैद है, जबकि अगर कोई पत्रकार मौके भी जाएगा नहीं तो फोटो वीडियो बनाएगा कैसे? और हमें जानकारी मिली कि वाराणसी जनपद में जितने भी स्वतंत्र पत्रकार के रूप में लोग काम कर रहे हैं, चाहे रिपोर्टर्स हों, चाहे न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे अखबार से हों, इनको अखबार में रिपोर्टिंग करने के लिए कहीं ना कहीं से मानसिक शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। और यहाँ तक कि अगर पुलिस के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, जांच का रिपोर्ट लगा दी जा रही है, उसके विपरीत भी 156(3) माननीय न्यायालय के द्वारा यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। और मैं अपने नेशनल मीडिया हेल्पलाइन और समाचार UP24 के संयुक्त तत्वाधान में संयुक्त पुलिस आयुक्त से मिलने आया था। वो उनके जगह डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ACP भेलूपुर बैठे थे, सुनवाई कर रहे थे। उनको हमने ज्ञापन देकर के मांग किया है कि जो मुकदमा दर्ज है उस मुकदमा को वापस किया जाए, निष्पक्ष जाँच।
उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो एक समाज में गलत संदेश है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और न्याय पर भरोसा है।